बच्चों अभी देखें फेडरलिज्म नया चैप्टर है आपके सिविक्स का, चैप्टर टू सिविक्स, ठीक है। हम कर रहे हैं सिविक्स और चैप्टर टू इसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, सो फेडरलिज्म चैप्टर का नाम है, फेडरलिज्म वर्ड सुना है हमने, ठीक है। सो क्या है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म वो सरकार कहलाती है, वो सरकार होती है जिसमें जो पावर है वो दो गवर्नमेंट्स के बीच में बांटा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश की, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी पावर में है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? हमारी गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट, वो भी बीजेपी है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेम है, पूरी इंडिया में बीजेपी है। दिल्ली में कौन चल रहा है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ठीक है, आप। सो इस तरह से तो हम फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म ये अच्छा ही है, क्यों? कि भाई ऑब्वियसली इतने सारे स्टेट्स हैं, सेंटर के पास कहाँ इतना टाइम पड़ा है एक एक स्टेट की वो तकलीफें देखे, दुख देखें। सो अच्छा ही है कि पावर डिवाइडेड है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट को देखती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए वो फैसले लेती है, ठीक है। सो दैट इज गुड थिंग कि पावर डिवाइडेड है। तो ये जो फेडरलिज्म का मतलब समझा, इसके फीचर्स क्या है? सो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, द फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज देयर आर टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट्स। अच्छा, टायर ऑफ गवर्नमेंट्स है, ठीक है, दो या उससे ज्यादा तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं फेडरलिज्म में। इसका फर्स्ट फीचर ये है कि फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म की खासियत, पहली खासियत, फेडरलिज्म के अंदर दो या उससे ज्यादा तरह की सरकारें होती हैं। एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स होल कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सर्टेन रीजन, ठीक है। दो या उससे ज्यादा तरह की सरकारें होती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के लिए होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। सेकंड है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, हर किसी के पास अपना ज्यूरिस्डिक्शन, अपना एरिया ऑफ कंट्रोल। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब एक उनका अपना पावर होता है, ठीक है। जैसे कि ये ज्यूरिस्डिक्शन एरिया ऑफ लेवल वाली चीज समझाऊं तो मैं एग्जांपल से ही समझाती हूँ। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करती है? पुलिस। और पुलिस पे किसका हाथ है? स्टेट गवर्नमेंट का। और आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कभी कुछ विपदा है, आपदा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो आर्मी को बुलाए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बुला सकती। और पुलिस किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे, ठीक है। सो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन, अपने ही पावर है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास, एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर मुद्दे होते हैं, पावर जो पर्टिकुलर मुद्दे होते हैं उनमें उनके पास उनका अपना एरिया ऑफ कंट्रोल है, दोनों के पास, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज में, टैक्सेशन में भी इनके अपने अपने ब्रांचेस हैं, भाई वो इसको ही देखेगा, वो उसको नहीं देखेगा, कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये। कई बार ऐसा बहुत होता है, ठीक है, कि भाई कुछ ऐसा होता है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, आपको तो यहाँ जाना पड़ेगा, वैसा। सो एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन वगैरह ये जो सब है, ये मतलब इनमें अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। थर्ड, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी फेडरल कंट्री। अब भाई किसको क्या पावर मिलेगी वो कैसे डिसाइड हुआ है? भाई आर्मी मिलेगी सेंट्रल को और पुलिस मिलेगी स्टेट को, ये किसने डिसाइड किया? सो ये हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जो भी फेडरल कंट्री है, जो भी फेडरलिज्म में मानती है, एक से ज्यादा गवर्नमेंट में मानती है, उस हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नीति और नियम लिखे गए हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई
किसके पास क्या पावर रहेगी, जो ज्यूरिस्डिक्शन है किस 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 गवर्नमेंट का क्या रहेगा। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी फेडरल कंट्री। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन बी चेंज ओनली व्हेन ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्री। ठीक है, अब समझो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाना है। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाने हैं। एक सरकार को, किसी सरकार को ये चेंजेस पसंद नहीं, मतलब एक सरकार ये चेंजेस करना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बोलने से चेंज नहीं होगा। जब सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स मानेंगी कि हाँ भाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पूरे देश के ऊपर है। ठीक है, सो एक अगर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना है, उसको सबसे हामी भरवानी पड़ेगी। ठीक है, तीन तलाक का कानून हुआ, बहुत सारी नई नई चीजें, आर्टिकल हुआ अभी 377, सो बहुत ऐसी चीजें हैं जो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाह रही है, पर उनको पूछना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट, सबकी राय लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो प्रोविजन पास होता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट इंटरप्रिटेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। अब समझो कभी झगड़ा हो गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भाई बहन की तरह झगड़ा हो गया। ठीक है, आप जैसे बहने बहने भाई भाई या भाई बहन झगड़ते हैं, अकेले हैं तो दोस्तों से झगड़ लेते हैं। ठीक है, सो जिस तरह से हम झगड़ते हैं अपने नजदीकों के साथ, वैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर झगड़ा हो जाता है तो डिस्प्यूट कौन सुलझाता है? कोर्ट। कोर्ट किसको साक्षी रख के डिस्प्यूट सुलझाती है? तो कोर्ट उनका नहीं सुनती है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखती है कि कौन सही, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन सुना देती है, अपना फाइनल डिसीजन बोल देती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, किस गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कौन फंडिंग करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट किससे पैसे लेगा। ऑब्वियसली सरकारें तो पैसे ले लेती तो चलती हैं, मतलब सरकारें टिकती कैसे, पैसा कितना पैसा चाहिए और फंडिंग भी होती है, तो किसको फंडिंग कितनी होगी, कहाँ से होगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, किस गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। नेक्स्ट, लास्ट हमारा जो फीचर ऑफ फेडरलिज्म था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इज यूनिटी इन डायवर्सिटी। ठीक है, जो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का, भाई अनेकता में एकता। सो क्या है इसमें, पीपल कैन फॉलो देयर डिफरेंट कल्चर्स। हमारा जो फेडरलिज्म का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फीचर है कि भाई हर कोई अलग अलग कल्चर आराम से फॉलो कर पाए। सो ये सारी जो सात चीजें हैं जो दिखाती हैं कि क्यों फेडरलिज्म को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये जो सात इसके फीचर्स हैं ये दिखाते हैं क्यों इंडिया ने इसको पसंद किया हुआ, क्यों काफी फेडरल कंट्रीज क्यों फेडरलिज्म पसंद करती हैं। सो फेडरलिज्म का मतलब है कि जिसमें भाई दो गवर्नमेंट्स के बीच में पावर डिवाइड होती है, और फेडरल गवर्नमेंट्स कहीं कहीं तो दो या दो से ज्यादा भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द सेवन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बच्चों, अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि भाई फेडरलिज्म कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर। हमने पहले पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन फेडरलिज्म, या फेडरलिज्म के टाइप पूछ रहा है। ठीक है, फेडरलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, और इनके बीच में डिफरेंशिएट भी करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन भी लिखना है। सो फेडरलिज्म दो तरह का होता है, द फेडरलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का फेडरलिज्म होता है। फर्स्ट होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, एंड सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ठीक है,
सो फेडरलिज्म दो तरह का होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. ठीक है, जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो साथ में मिलके एक बड़ा यूनिट बन जाते हैं. ठीक है, वो कमिंग टुगेदर का मतलब साथ हो जाना, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स सारे मिलके साथ हो जाते हैं. किसमें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में. सेकेंड पॉइंट, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स. और इसमें अच्छी बात क्या है, कमिंग टुगेदर में सारे स्टेट्स के पास एक जैसी पावर होती है. ठीक है, कोई भी स्टेट है उसके पास एक जैसी ही पावर होगी. थर्ड है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल हियर. अब हमारे देश में किस्सा बताऊं तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर है, पर ऐसी गवर्नमेंट में जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन है इसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही पावर होगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का. मतलब पावर इक्वल डिवाइडेड होता है किसमें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में. ठीक है, सो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर इक्वली पावरफुल. जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इक्वली पावरफुल होते हैं. एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सो बहुत सारे स्टेट्स मिलके जब साथ में आके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं इसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. सब स्टेट्स का इक्वल पावर होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इक्वल पावर होता है, और यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया यही फॉलो करती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन ही फॉलो करती है. फिर नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज अनदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म. इसमें क्या है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जो कोई भी एक बड़ी कंट्री होती है, मोस्टली जो बड़े बड़े देश होते हैं वो यही वाला अपनाते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाला तरीका ही अपनाते हैं. इसमें जो बड़ी कंट्री है वही डिसाइड करती है कि पावर किसको क्या देना है, स्टेट को क्या पावर मिलेगा, सेंटर को क्या मिलेगा, वो ऐसे डिसाइड होता है. कुछ इक्वल पावर का डिवीजन नहीं होता है, कंट्री खुद, मतलब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिसाइड करता है कि भाई किसको क्या पावर मिलेगी. स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स, इवन स्टेट्स के पास भी अनइक्वल पावर्स होती हैं. जैसे कि गोवा में आप देखें तो अल्कोहल, राजस्थान में अल्कोहल चलता है, गुजरात में नहीं चलता है. फिर सेक्स रेशियो कहीं पे हरियाणा में देखो बहुत, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, इस तरह से. मतलब फिर मॉर्टेलिटी रेट, मतलब बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी है सब चीजों में. सो स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स, और इसलिए सब में अनइक्वालिटी है तो स्टेट्स के पावर्स में भी अनइक्वालिटी है. थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. इस वाले होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन में, होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. एंड द एग्जाम्पल इज इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एक्सेट्रा. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बेल्जियम एंड स्पेन ये सारे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती हैं. सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन को यूएसए, स्विट्जरलैंड वगैरह फॉलो करती हैं, और इसे कौन फॉलो करता है, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन. ये जो सेकेंड पॉइंट है, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स, तो आपको पता होगा अभी जम्मू कश्मीर में वो जो आर्टिकल रिमूव हुआ उससे पहले जम्मू कश्मीर के पास अनलिमिटेड पावर थी. इतनी किसी स्टेट के पास पावर ही नहीं थी जितनी जम्मू कश्मीर के पास पावर थी. ठीक है, पर अभी वो आर्टिकल ही रिमूव हो गया है. सो यहाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स. ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास तो थी, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है. ठीक है, सो दिस वॉज द टाइप ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके बड़ा यूनिट बनाते हैं, यहाँ बड़ी कंट्री डिवाइड करती है. यहाँ देखो एक होते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ इक्वल पावर है या अनइक्वल पावर है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल पावर है, और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल, इसके एग्जाम्पल. सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी 3 मार्कर क्वेश्चन.
बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी, हमने टाइप्स देखे, हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखी फेडरलिज्म में, पर क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सो द आंसर इज यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सो रीजंस क्या है, द फर्स्ट रीजन इज इंडिया हैज 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो बेसिक कंडीशन है फेडरलिज्म की कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो इंडिया के पास है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सो इंडिया ये पहली कंडीशन पूरी करता है फेडरलिज्म की, जो फेडरलिज्म इटसेल्फ डेफिनेशन बोलती है कि भाई एक से ज्यादा टाइप ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो इंडिया के पास 3 है। सेकेंड है, सो जो सेकेंड हमने फीचर पढ़ा था फेडरलिज्म का, वो भी इंडिया सेटिस्फाई करती है। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पावर्स का डिवीजन है भाई, कौन सा पावर किसको जाएगा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या, उसके पास क्या पावर है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है और वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। सो फेडरलिज्म की तीसरी पॉइंट भी इंडिया सेटिस्फाई इंडिया कर रहा है। आपने ये भी देखा था टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में, अगर कोई कंट्री फेडरल है तो उसके टाइप्स भी होते हैं, सो इंडिया दूसरी टाइप में आती है। इंडिया कौन सा है टाइप, होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन है, जिसमें जो स्टेट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स होते थे। अभी कुछ टाइम पहले तक ही जम्मू कश्मीर के पास अनइक्वल पावर्स थे, हाईली अनइक्वल, बाकी स्टेट्स के पास भी हैं, पर एकदम मतलब जम्मू कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत ज्यादा अनइक्वल पावर्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट, इन इंडिया फॉर द अमेंडमेंट ऑफ बेसिक लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में भी ठीक है फेडरलिज्म मतलब जो बाकी देशों में अपनाया गया है, तो इंडिया में भी जो अगर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब है चेंज, ठीक है, अगर हम कोई बेसिक लॉज बदलना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ में कुछ फेरफार करना चाह रहे हैं, बेसिक लॉ है जो लिखा गया उसको हम बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 वोट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो लोकसभा में 2/3 वोट्स और राज्यसभा में भी 2/3 वोट्स मिलने चाहिए, और उसके अलावा एंड मोर देन हाफ स्टेट्स, मतलब जो टोटल स्टेट्स हैं उसमें से आधे से ज्यादा स्टेट्स मस्ट पास द बिल, मतलब वो वाली चीज, वो मतलब बिल क्या है, वो जो हमने वो कहते हैं ना गुजारिश रखी भाई, जो भाई किस जिसने अर्जी रखी है भाई, जो चाह रहा है कि वो चीज हो भाई, ऐसे करना है, वो बिल पास कराना चाह रहा है जो, तो उस मतलब कैसे पास होगा उसको, लोग उस बिल को, बिल मतलब जो चेंज लाना चाह रहे हैं वो, ठीक है वो चीज, तो सब जो चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2/3 वोट्स मिलने चाहिए लोकसभा में, 2/3 वोट्स मिलने चाहिए राज्यसभा में, और हाँ आधे से ज्यादा स्टेट्स भी इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए, इसके बाद ही कोई नया चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल का मतलब अर्जी देना भाई, एक तरह की भाई पासिंग, पास करने के लिए एक तरह से अर्जी देना, वैसा कुछ समझ लो। फिफ्थ, इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट टेक्स द फाइनल डिसीजन। तो ये भी एक फीचर ही था फेडरलिज्म का कि कभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाता है, किसी बात पे मतभेद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी डिसीजन लेती है, और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन में से देख के लेती है। ठीक है, ये आपने फेडरलिज्म का फीचर पढ़ा था और ये फीचर इंडिया फॉलो करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आगे सब एक हैं, कोई भी मंत्री, तंत्री, नेता, अभिनेता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन है, वो सर्वमान्य है। ठीक है, पूरे देश में सबसे ऊपर डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। सो जहां कोई डिस्प्यूट होता है दो स्टेट्स के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन माना जाता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट मैंने बोली थी कि भाई जो ज्यूरिस्डिक्शन है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया। सेकेंड पॉइंट है कि भाई जो भी पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के,
वो हर स्टेट को दे दिए गए हैं, ठीक है। पर वो पावर्स कैसे दिए गए हैं, तो वो चार लिस्ट के बेसिस पे पावर दिए गए हैं, ठीक है। चार लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो चार लिस्ट फॉलो करनी है और उसके बाद ही मतलब जो स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल है, उनको पावर मिले हैं। तो वो चार लिस्टें कौन सी हैं? बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि लिस्ट कौन सी है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि भाई लिस्ट है, उसके हिसाब से पावर्स दी गई हैं सब स्टेट्स को, तो वो लिस्ट कौन सी है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज थ्री लिस्ट इन विच द गवर्नमेंट इज टोल्ड अबाउट इट्स एरिया। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास ऐसी तीन लिस्ट हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट हैं जिसमें हर सरकार को भाई, चाहे वो स्टेट हो, लोकल हो या सेंट्रल हो, उसे अपने अपने एरिया बताए गए हैं कि भाई आपका यहाँ यहाँ तक हक है, ठीक है। एरिया मतलब सब्जेक्ट्स, कि उनको बताया गया है कि आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हो ऐसे। सबसे पहली फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब 97 एरियाज है, 97 मुद्दे हैं, 97 टॉपिक्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। ये लिस्ट क्या क्या कंटेन करती है, इस लिस्ट में जो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो होते हैं, जैसे कि भाई देश की सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। मतलब वो सबके लिए, आतंकवादी घुसा तो ये पूरे देश के लिए मुद्दा हुआ, ठीक है। सो इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और आर यूनिफॉर्म, जैसे कि इस टाइम जैसे पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। सो इस टाइम पैंडेमिक में भाई जॉब्स चली गई हैं लोगों की, ठीक है। मतलब जो नुकसान हुआ है वो थ्रू आउट द कंट्री हुआ है, सबके साथ हुआ है। अगर ऐसा कोई रूल बनता है जो सबके लिए इक्वल हो, भाई ऐसा बोल दिया जाए कि पर पर्सन 1-1 लाख रुपए मिले, भाई एक एक घर को 1-1 लाख मिले, ठीक है। वैसा कुछ, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या है, जिसके 97 सब्जेक्ट्स हैं, कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। सेंट्रल ये जो लॉज है, ये लॉज कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स। ये 97 सब्जेक्ट्स हाथ में है, किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और वो लॉज बनाती है इससे रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है। क्या क्या है इस लिस्ट के अंदर, 97 सब्जेक्ट्स है, इसमें से कुछ हमने लिखे हैं, डिफेंस है, बैंक करेंसी, ठीक है भाई। करेंसी कौन सी देश में चलेगी, जैसे अभी नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी जब हुई थी हमारे कुछ साल पहले, हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, तो किसने डिसाइड किया था, मोदी सरकार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी, उन्होंने डिसाइड किया था। उन्होंने वाला करेंसी रोक दी, ठीक है, एक तरह से नोटबंदी कर दी, रोक भी दी, ठीक है। डिफेंस मतलब भाई वो जो चीन पे हमला करना है, नहीं करना है, भारत को क्या सरहद पे क्या करना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉरेन अफेयर्स, कौन से देश के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे 97 जो हैं एरियाज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आते हैं, वो उसके लॉज वो बनाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं, और ये कंटेन करते हैं सब्जेक्ट ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो भाई आमतौर पर सामान्य, जो सामान्य लॉज हैं वो ये कंटेन करते हैं, और रोजमर्रा का, ठीक है, रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन। 66 एरियाज हैं इसके अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, और इसके लॉज कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब हमारे हमारे लाइफ से जुड़ी हुई, ठीक है। पुलिस, ठीक है, हम आम इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम होती है पुलिस के पास जाएगा। ट्रेडिंग, ठीक है, छोटी छोटी चीजों की ट्रेडिंग होती है, खरीद फिरोत होती है। एग्रीकल्चर है ही आम इंसान का, ठीक है, खेती बाड़ी वगैरह।
फिर इसके बाद इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी, जैसे भाई फसल खराब, एग्रीकल्चर में फसल खराब हो गई बीच में, के जो किसानों ने कंप्लेन की भाई टिड्डे आ गए हैं उनके, उनकी फसल खराब करके गए हैं, ठीक है, तो वो सब किसने, उसके अगर नियम बनाने तो कौन बनाएगा उससे रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। इरिगेशन है भाई, ड्रिप इरिगेशन चला है किसी स्टेट में, सो किसने निर्णय लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स वगैरह है, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह ये सब, तो ये सब कौन हैंडल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट लिस्ट किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ये 66 मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट ही नियम बना सकती है, ठीक है। सो अभी हमने दो लिस्ट डिस्कस की, यूनियन लिस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, राष्ट्र मुद्दे होते हैं, और ये स्टेट लिस्ट जो कि लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे होते हैं, ठीक है। सो ये दो लिस्ट है, अभी हम पढ़ते हैं तीसरी लिस्ट। तो बच्चों अभी तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स है, मतलब 47 मुद्दों के इसमें जो है उसके लिए रूल्स बनते हैं। सो ये क्या इंक्लूड करती है कॉन्करेंट लिस्ट, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें इस लिस्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें मतलब ऐसे कॉमन चीजें होती हैं जो दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस की हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। जैसे बोथ गवर्नमेंट मेक लॉज, दोनों गवर्नमेंट लॉज बनाती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बनाती हैं। इफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव डिस्प्यूट, अगर समझो बाय चांस दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, मतलब दोनों लॉज बनाती हैं, तो अगर दोनों में झगड़ा होता है, सो सेंट्रल रूल विल बी फॉलोड ऑलवेज, ठीक है, जो सेंट्रल का रूल है वो हमेशा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। मतलब कॉमन इंटरेस्ट कौन सी चीजें हैं स्टेट की, जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, मैरिज, एडॉप्शन, सो इस ये कॉमन चीजें हैं, ठीक है, मतलब स्टेट में भी ये चीजें होंगी और स्टेट में भी होगी, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी है ये सारी चीजें, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह, मैरिज, ठीक है, मैरिज के लिए कायदे कानून, ठीक है। सो ये कॉमन चीजें हैं, सो दोनों के पास अथॉरिटी है लॉज बनाने की, पर अगर लॉ पे अगर दोनों अड़ जाते हैं, किसी लॉ पे अड़ते हैं, सो जो फाइनल जो जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी वो इन लोग को, मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये तीन लिस्ट है, इसके अलावा एक फोर्थ लिस्ट है, वो है रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है। रेसिड्यूरी लिस्ट क्या है, मतलब देखो हम ये संविधान कब बना, ये तीन लिस्टें कब बनी, जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिस्ट है। सो हमारा संविधान ऑब्वियसली आजादी के बाद 1947-1950 के बीच में बना, ठीक है, तो उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स के अलावा, जैसे आजकल कंप्यूटर्स वगैरह आए हैं, ठीक है, सो अभी जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स, अब वो भी कंप्यूटर साइंस भी एक मुद्दा है, ठीक है, भाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, तो ये सारे जो मुद्दे हैं लेटेस्ट मुद्दे हैं, तो रेसिडरी लिस्ट में ये सारे मुद्दे आते हैं, जो लेटेस्ट मुद्दे, ठीक है, भाई 4G 5G ये सारा, ठीक है। सो ये सारे जो मुद्दे हैं ये रेसिडरी लिस्ट में आएंगे, ये फोर्थ लिस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है रेसिडरी लिस्ट में, कि भाई जो एक्स्ट्रा मुद्दे हैं जो हमारे आजादी के जो संविधान बनने के बाद आए हैं, सो रेसिडरी लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स दैट केम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। सो रेसिडरी लिस्ट कब बनाया गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद आया, ठीक है। सो जो मुद्दे रह गए थे उस टाइम, जो नए नए आते जा रहे हैं वो, सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉज फॉर इट। रेसिडरी लिस्ट में ये जो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, उसके लिए लॉज कौन बनाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। और जैसे कि एग्जाम्पल है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट था वो पहले नहीं था, अभी फिर उसके अंदर अगर जो भी होगा, ठीक है, आईटी हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पहले नहीं थी, सो सब वो सब उस सब के लिए डिसीजन कौन लेगा, लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे, पर अगर झगड़ा हुआ तो फाइनल सेंट्रल का, मतलब तो भी देखो जो अनइक्वल पावर का जो डिवीजन है वो है हमारे देश में, ठीक है, सो स्टेट को नहीं है इक्वल पावर, सेंट्रल को ज्यादा पावर है, ठीक है।
तो ये चार लिस्ट हैं जो हमको दी गई हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं। लिस्ट का मतलब एक जो होता है, ये इनको चीजें इनके हिसाब से इन्हें पावर दिए गए हैं। इस लिस्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं। ठीक है, सो दीज वर द टू लिस्ट, और इससे पहले हमने दो लिस्ट पढ़ी, सो दीज आर द टोटल फोर लिस्ट मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों अब यहाँ देखो, अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, सो लैंग्वेज का फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, पर अब लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का क्या हुआ? तो देखो, जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, इंडिया को आजादी मिली, पीपल डिमांडेड डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लोग क्या डिमांड करने लगे, तब डिवीजन हो रहा था, इंडिया को आजादी मिली, स्टेट्स डिवाइड हो रहे थे, तो सारे लोगों ने क्या बोला कि आप जो स्टेट्स का डिवीजन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे करो। ठीक है, जो बिहारी बोलते हैं उनको एक साथ कर दो, जो गुजराती बोलते हैं उनको एक साथ करो, पंजाबी बोलने वालों को एक साथ करो। सो जो आप ये स्टेट्स का डिवीजन कर रहे हो वो लैंग्वेज बोली के हिसाब से करो। सो बट सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड थिंकिंग ऑफ कंट्रीज यूनिटी। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये थोड़ी अटपटी बात लग रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही थी, मना कर रही थी, मतलब ये वाला हमने ये पढ़ा था ना कि भाई जो भी रेसिड्यूरी लिस्ट होती है, तो ये भी एक अदर मुद्दा था। ठीक है भाई, स्टेट्स का डिवीजन भी एक अलग ही मुद्दा था, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रेजिस्ट कर रही थी, नहीं मान रही थी, ठीक है, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे जो है देश की यूनिटी को खतरा हो सकता है, भाई भाईचारे को खतरा हो सकता है। जैसे भाई किसी एक स्टेट में भाई मैक्सिमम बोलने वाले होंगे, सो जो दूसरे होंगे उनके साथ शायद भेदभाव हो, वो ऐसी ऐसी चीजें सोच के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मना कर रही थी कि भाई नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बट आफ्टर परसिस्टेंस प्रेशर, पर ऐसे लोग प्रेशराइज करते रहे, बोलते रहे बोलते रहे, सो सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइडेड फ्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर ही दिया। ठीक है, सो दो स्टेट्स डेवलप एंड देयर वॉज अ बूस्ट टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और इसका फायदा हुआ उल्टा, मतलब उन्होंने जब लैंग्वेज के हिसाब से देशों सारे स्टेट्स को डिवाइड किया, सो जो मतलब ट्रेडिंग वगैरह बढ़ी। ठीक है, जो खुद की भाषा, ठीक है, जो अपने जैसी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, सो जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाता है, हर चीज आसान हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, द दीज स्टेट्स डेवलप, इन स्टेट्स की तरक्की हुई। ठीक है, जो स्टेट्स उन्होंने लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड किए थे वो स्टेट्स तो तरक्की कर रहे थे, एंड देयर वॉज अ बूस्ट टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और कंट्री की जो एकता है, जो कंट्री की जो यूनिटी है, वो तो और बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि एक जैसे भाषा बोलने वाले साथ हो गए, ठीक है, अब झगड़े किससे, तो कोई झगड़ता नहीं था, कंट्री की यूनिटी बनी रही। ठीक है, सो इस तरह से फिर मतलब जैसे लैंग्वेज की बात आई, तो सरकार ने एक लैंग्वेज पॉलिसी भी बनाई हुई है। ठीक है, सरकार ने लैंग्वेज पे भी पॉलिसी बनाई हुई है, सो लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट छह चीजें बोलती है, जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है वो छह चीजें बताती है। सो व्हाट इज द लैंग्वेज पॉलिसी, फर्स्ट चीज क्या बोलती है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैवंट एक्सेप्टेड एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज। हमारी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है हमारी। ठीक है, भले हम हिंदी ज्यादा बोलते हैं, पर तो भी नेशनल लैंग्वेज इज नॉट हिंदी, वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, देन सेकेंड, सिंस 40% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पीक्स हिंदी, हिंदी इज एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, इंडिया की 40% आबादी हिंदी ही बोलती है। ठीक है, 40% पीपल स्पीक्स हिंदी, आज हिंदी स्पीकिंग पीपल, सो हिंदी को नेशनल तो नहीं, पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर घोषित किया गया है कि अगर आपको ऑफिशियल काम है सो स्पीक हिंदी। ठीक है, सो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है उसे। थर्ड, अलॉन्ग विद हिंदी 21 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि हमारे देश में हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सो सरकार ने ऐसे 21 और भाषाएं घोषित की हैं, स्केड्यूल्ड भाषाएं, मतलब हिंदी के साथ उनको भी, उन 21 भाषाओं को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन। कोई भी कैंडिडेट है, जैसे अगर आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, ठीक है, रेलवे वगैरह हुआ, बैंक हुआ, तो किसी सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, तो इन 22 लैंग्वेजेस, 21 लैंग्वेजेस और एक हिंदी, ठीक है, इन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज आपका आंसर लिखने के लिए चुन सकते हो, ठीक है, आपका पेपर लिखने के लिए इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हो, सो ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, सो ये 22 भाषाओं में से आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हो। सो कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन एनी ऑफ दिस 20 फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो आप इसमें से 22 में से कोई भी भाषाएं चूज कर सकते हो। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हर स्टेट के पास अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब भाई गुजरात के पास गुजराती है, पंजाब के पास पंजाबी है, ठीक है, सो एवरी स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट के लिए जैसे अपनी भाषा है, ठीक है। सिक्स्थ है, इंग्लिश एक्ट एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। अब समझो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई काम पड़ा तो इंग्लिश एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है, ठीक है, इंग्लिश एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है कि अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से कुछ काम पड़ा, ठीक है, सो वहाँ उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, इंग्लिश होगा। समझे दो स्टेट्स का काम पड़ा, इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, दो स्टेट्स का, इंटर मतलब दो, तो दो स्टेट्स के बीच में कोई गवर्नमेंट सरकारी काम पड़ गया, ठीक है, सो अब एक स्टेट है केरला स्पीकिंग, ठीक है, और एक है एक दूसरा स्टेट है समझो यूपी का, ठीक है, सो कैसे वो लोग कैसे वो करेंगे, केरला साउथ इंडियन, सो कॉमन लैंग्वेज क्या रखी गई है, इंग्लिश। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी काम है या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई सरकारी काम है, सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सो ये 6 लैंग्वेज पॉलिसी, ये जो लैंग्वेज पॉलिसी फेडरल का ही एक, फेडरलिज्म का ही एक हिस्सा है, ठीक है, जो मतलब एक यूनिटी बनाए रखने का ही हिस्सा है ये जो लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। सो आपको अगर आप भारतीय हैं, ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हैं, सो मेरे हिसाब से यू हैव टू, आपके पास 3 भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज योर मदर टंग, ठीक है, आपकी जो भी खुद की बोली है, जो भी आपकी भाषा है, ठीक है, गुजराती हो तो गुजराती आनी चाहिए, और कोई जो भी महाराष्ट्र मराठी आनी चाहिए आपको, अगर महाराष्ट्र से मराठी, मतलब जिस जहाँ जिस स्टेट में बॉर्न हुए हो कम से कम उसकी भाषा आनी चाहिए आपको। दूसरा, आपको हिंदी जरूर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो हिंदी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी जरूर आनी चाहिए। एंड थर्ड, आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बाय चांस कभी आप फ्यूचर में कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम देखे कि अच्छी सेंट्रल पोजिशन पे अगर आप पहुंचते हो, ठीक है, कभी आपको देश के लिए बड़े डिसीजंस या अपने स्टेट के लिए बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सो वो तब उस पोजीशन पे आप होने चाहिए कि आपको इंग्लिश आती हो, ठीक है। सो द 3 लैंग्वेजेस यू मस्ट नो आर योर मदर टंग, अवर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, एंड द थर्ड वन इज योर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, ठीक है, मतलब ये 3 भाषाएं आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वॉज, वी आर एंडिंग अवर टूडेज लेक्चर हेयर ओनली, दैट वॉज एन वेरी इंटरेस्टिंग ओपनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमने फेडरलिज्म देखा कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा हमने, ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म देखा, ठीक है, और फिर अब हम ये, फिर हमने लिस्ट देखी, ठीक है, हमने लिस्ट देखी, हमने फीचर्स देखे, फेडरलिज्म के फीचर्स देखे जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं, वो फीचर्स देखे, ठीक है, शुरू शुरू में फेडरलिज्म के भी फीचर्स देखे थे। 4 लिस्टें देखी, उनमें से 3 लिस्टें, चौथी रेसिडरी लिस्ट है, ठीक है, पर चारों लिस्ट लिखनी चाहिए अगर आती है एग्जाम में तो। एंड फिर अभी हमने लैंग्वेज डिस्कस की कि लैंग्वेज स्टेट वाइज क्यों डिवाइड हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाई स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्वेश्चन कैसे आ सकता है,
व्हेन स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टूडेज लेक्चर एंड प्लीज डू रीड द लेक्चर, डू राइट द नोट्स वेरी प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू लर्न देम, ठीक है, चलें, थैंक यू।